अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो 24 अगस्त को पहली पाली में हुई थी, प्रथम शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, उसके 1 से 60 प्रश्नों का जवाब, वैसे तो मैंने 1 से 120 प्रश्नों का वीडियो डाल रखा है, बट वो लंबा है जिससे आप केवल आंसर मिलान कर सके, इसलिए छोटा छोटा वीडियो मैंने डाला 1 से 60 प्रश्नों का, फिर 61 से 120 का। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई भी ऑथेंटिक न्यूज आपके एजुकेशन से रिलेटेड रहे या शिक्षक भर्ती से वो आपको मिल सके। चलिए देखते हैं। देखिए, 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परतंत्र का संघटक है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, इसमें सभी, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, जंतु। 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 62 का भी मीथेन गैस, कौन सी, मीथेन गैस। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 63 का सी, निष्पादा फिर शेयर होगा। 64 का देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक फिर फिलअप करना है कि क्रिया द्वारा विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें परजीवी मृत जीवाणु किसी का भी नहीं होता है, तो इसका मतलब है, अच्छा, कि क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो इसमें सभी ऑप्शन सही, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा, 64 का डी। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं, तो इसमें भी क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में, इसलिए नाभिकीय, पवन, सौर, तीनों सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो आहार जाल, क्या कहा जाता है, आहार जाल। अगला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का फिर फिलअप करना है आपको। ठीक, तो 1%, 2%, 5% कोई भी हो सकता है, इसलिए इसमें ऊपर में से एक से अधिक, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला देखते हैं, आहार श्रृंखला में प्रथम श्रेणी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो 69 का सी, स्वपोषी। 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। 70 का देखिए, 70 का हो जाएगा सी, फास्फोरस चक्र। 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है, तो स्वपोषी। ठीक है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे ही जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। 72 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो 72 गड्डी, इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है। 73 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, बड़ी संख्या है लगभग, तो इसका बी वाला ऑप्शन 3300/13 सॉल्व किया गया है, आप चेक कर लेंगे। परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डॉट डॉट में अगली संख्या पूछा है। ठीक है, तो 74 का जो है सी वाला ऑप्शन सही है, 96, 90 और 96 दोनों ऑप्शन, 90 तो है नहीं, तो 96 सही है। ठीक है, 75 देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है,
तो सॉल्व करने पर 75 नंबर का जो है जवाब 240 120 और, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे 240 120 घटा फिर इधर दुगुना हुआ तो 150 होना नहीं। पचहत्तर का सी वाला ऑप्शन सही। 76 देखिए, थोड़ा सा डाउट है 75 वाला। 76 देखिए, 76 का बी ऑप्शन सही है, KNHYNTS, ठीक है। 77 है, प्रयागराज से पटना के जाने के 5 मार्ग 4 मार्ग, तो इसका वाला जो ऑप्शन सही है 77 का बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है, तो 78 का ए हर वर्ग आयत है सही है। 79 कोड दिया गया है, कोड शब्द को 15 16 19 91 के रूप में कोडित किया गया और स्टेप को दिया है, स्टॉप को पूछा गया है, ठीक है। तो 79 का बी वाला ऑप्शन सही है 18 22 16 76 91। 80 देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, इसका आ जाएगा 40 पाई। समूह में भिन्न शब्द युग्म चुनिए, पुस्तक कागज पेंसिल पेन रबड़, तो 81 का सभी जो है भिन्न डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 1 डी को 2 पी को 4, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता, वैसे आप ऐसे निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, डी का इस मैंने 2 का स्क्वायर 4 होता है, डी 4 नंबर पर होता है, ठीक है। ऐसे पी जो है 16 नंबर पर है, 16 का वर्गमूल 4 है, तो 3 पूछ रहा है, 3 3 का 9, 9 का स्थान मैंने आई, तो 82 का जो है कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। 83 दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में यदि उनका मास, तो 11×21 कर लीजिए, 11×10 कर लीजिए, जोड़ लीजिए कितना आएगा 341। 83 का जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें देखिए, एक स्मार्टफोन को पी रूप में बेचने में 10% लाभ, स्मार्टफोन क्यू रूप में 4% खामी, पी और क्यू में अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसके दो दो ऑप्शन सही हैं, सॉल्व करने पर 110:96 आ रहा है, और उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं 55:48 हो जाएगा, तो सही रूप से इसका हो जाएगा 84 का डी, ठीक है, 84 का डी वाला ऑप्शन। 85 एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 14400, ठीक है, 14400। छियासी निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 86 का आरोही क्रम जो है सी वाला है ऑप्शन, ठीक है। 13/18 <unintelligible> 29/36 <unintelligible> 51/60 <unintelligible> 41/45, ठीक है। 87 में जो है वर्गों की संख्या निकालनी है, कितने वर्ग होंगे, तो 87 का बी वाला ऑप्शन सही है 30, ठीक है। 88 देख लीजिए, एक व्यक्ति अंडों के इस प्रकार टोकरी में रखता है, प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाए अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या, तो इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाएगी, और कितने दिनों बाद जो है टोकरी 1/4 भरी थी, तो 88 नंबर का जो है ए वाला ऑप्शन सही है 22, इसका आंसर सही है।
89 देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने 6 कुर्सियों को विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि निकालना है। तो 89 का ए वाला 16 सही, 2/3 सही। 90 नंबर देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों गुणनफल 36 है, संख्या 45 घटा दिया जाए, ठीक है, तो 94 9 4 36 और उसमें से घटा दीजिए तो वो हो जाएगा, इसमें 94 ऑप्शन है नहीं, इसलिए 90 का ई हो जाएगा, इस उपर्युक्त में से कोई नहीं। 91 देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी का मान पूछा है, तो आपको मालूम होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल 0 होता है, उसी पुटा के रखेंगे तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 3। 91 का ए वाला ऑप्शन सही है। 92, 4x + 1 4^1 − x = 10 की वैल्यू पूछा है, तो इसका 1/2 सॉल्व करने पर आया है, बी वाला ऑप्शन सही। 93 में देखिए, x^3 3x² + 2 को एक बहुपद जी एक्स से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² - x + 3 और -2x + 4 हैं, तो जी एक्स का मान पूछा है, ठीक है, तो 93 का सी वाला x - 2 आएगा आंसर। 94, एक खिलौना एक संघ के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ, खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5, तो खिलौने का आयतन पूछा है, ठीक है, तो 94 का सी वाला 231 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। और एक रमी में भाग लेते हुए 320 रमी भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, 220 दोनों में भाग लेते हैं, क्लब में कितने सदस्य थे, ठीक है, क्लब में कितने सदस्य थे, ये मीन्स है आपका 95 नंबर का, तो 95 नंबर में जो ऑप्शन सही है वो है आपका 450, ठीक है। 96, 2 वर्ष पहले एक ही आयु की व्युत्क्रम और 2 वर्ष बाद उसकी आयु की व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक ही वर्तमान आयु पूछा है, तो इसका 4 वर्ष, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 में आपको यहाँ समीकरण निकाया है (ax − ky = 3x + 2y = −5), तो इसका एक अनूठा हल मीन्स इसका अद्वितीय हल पूछा है, तो 96 का भी इसका सॉल्व करने पर 97 का सी वाला -2/3 आया, ठीक है। 98, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण पूछा हुआ, ठीक है, तो 98 का इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। 99, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है, तो 99 का बी वाला ऑप्शन सही हो, 951 रुपये आ रहा। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, यह समीकरण 3kx² − 25kx + k + 8 = 0, तो मूलों का गुणनफल 3 हो तो k की वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो इसका k की वैल्यू 1 आएगी, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 है, log 32 √2 का मान पूछा है, तो इसका जो जवाब होगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा, 10। चलिए 102, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है और कर्ण √218 है, तो अन्य दो भुजाएं इसकी पूछा हुआ है, ठीक है, तो 102 का ई वाला ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 103, √1 + 27/169 = 1 + x / 13, तो x की वैल्यू पूछा हुआ है, तो 103 का इसका जो जवाब आ रहा है वो -27।
104 किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तो 104 का ए वाला ऑप्शन सही 9.1 मीटर। 105 निम्नलिखित में से किसका पीएस 7 से अधिक है। ठीक है, 105 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, रक्त प्लाज्मा। ठीक है, 106 एक सामान्य नेत्र लेंस की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन 106 का बी वाला ऑप्शन सही है। 107 देखिए, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ तो विरंजक चूर्ण बनता है, तो आप जानते हैं CaCl2। 108 माता पिता के संतत में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं, कुछ लोग जीन भी लगाए होंगे लेकिन वो रांग है, अनुवांशिकता ही सही होगा। 109 ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात क्या है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, बी वाला ऑप्शन सही है। 110 लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। ठीक है, तो H2 गैस निकलेगी भाई और आयरन क्लोराइड, मीन्स सी वाला ऑप्शन सही होगा। 111 देखिए, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, तो वनारोपण किया जाए, अन्य तो जो है गलत ही है, वनारोपण। 112 खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, तो टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, वैसे ABC तीनों कार्य होते हैं इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 114 है इमली में कौन सा अम्ल है। ठीक है, तो 114 भी टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। 115 कोलीफार्म क्या होते हैं। ठीक है, तो कोलीफार्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। 116 विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता, तो पोटेंशियोमीटर, 116 का सी वाला ऑप्शन सही। 117 चुंबकीय क्षेत्र है तो सदिश मात्रा है भाई, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो 118 का डी, एक से अधिक स्थितियां होंगी, वैसे जब क्षेत्रफल कम होगा उसी कंडीशन में होगा, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 118 का डी। 119 स्प्रिंग के गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश पूछा है, तो बैंगनी होता है, जानते ही हैं। 120 और लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो 120 के उठेगी ये, 120 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे 61 से 120 प्रश्नों के जवाब, आप इनको मिला सकते हैं, पूर्णतया संतोषप्रद हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।